जी, जैसा कि आपने देखा कि फास्ट फूड खा के मैं बहुत हो गया था तंग, तो मैं अब निकल पड़ा हूँ हंट पे, फूड के हंट पे। और बहुत सुना जिस रेस्टोरेंट के बारे में, तो सोचा आए चलते हैं उसको देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैसा फूड है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज एक फूड स्ट्रीट पे मौजूद हूँ और जाने वाला हूँ जनान, ये आपको बैक पे नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं, आज जनान को एक्सप्लोर करते हैं और इनका फूड देखते हैं कैसा है और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, और एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं। और बावर्ची को फुल चेंज हो गया है, बड़े बड़े तुमने बड़े बड़े लगा लिए, कमजोर हो गए, सही इस्तेमाल किया, बड़े बड़े लगा लिए। बकरे की कढ़ाई दी है, देखिए भाई बकरे की कढ़ाई है और और खाते वक्त मैं आंखें भी बंद कर लेता हूँ। अबे सही सही बताओ ना यार, किसकी दी है, क्या रखा नौमान भाई? क्या भाई, मखनी कढ़ाई है, चपली कबाब है और कौन सा है, काबली पुलाव है। आज हम ट्राई करने वाले और जनान पे देखेंगे। है नवेद भाई आ गए, और का भी इंतजार है मेरे, हमारे नहीं है, हमारे प्यारे, हम सबके प्यारे, प्यारे बॉस, प्यारे पुराने एक्स बॉस भाई। ये दावत किसकी तरफ से, पहले तो ये बताओ। ये दावत मेरी तरफ से, खालिस से मेरी तरफ से, लेकिन इन्वेस्टर जो है, और इन्वेस्टर जो है वो मैं साथ लेके घूम रहा हूँ। चांपे लगी हुई है भाई और साथ में टिक्का लगा हुआ है। अभी बैंक से जो उतरते हैं वो भी बना, मैंने आया था केलसी आसिफ के पास मोबाइल लेने के लिए, दोनों बना दिए। नान सलाद भी आ गई है और रायता पहुंच गया हमारा। अंकल ये क्या लाए हैं, कढ़ाई है, ये कढ़ाई, चम्मच चम्मच कढ़ाई की इब्तिदा, इसमें प्लेट में चम्मच, ठंडी है कढ़ाई, ओ तेरी तकरीब शुरू हो गई है। ला भाई चमचे दस स्पून दो। और ये काबली पुलाव आ गया है, काबली पुलाव के ऊपर ये क्या डाला, किशमिश है गाजर और गोटी, एक गोटी दी छोटी ट्रे में, अभी ये ना गोटी बाबू मिल जाएगी गोटी यार। चिपली कबाब आ गए मैदान में। हाँ बाबू भाई लाओ, कैसा था? बेहतरीन, और अभी मैं और लेने वाला हूँ आपसे। नवान भाई पुलाव कैसा है? बावर भाई से रिव्यूज लेते हैं और उसके बाद बारी बारी सब रिव्यूज देंगे। माशाल्लाह खाना बहुत बेहतरीन भाई। पहले काबली ब्लॉग का बताओ क्या था? और काबली ब्लॉग बिल्कुल बेहतरीन था, सबको बोटियाँ नहीं मिली, मुझे बोटियाँ मिली, मैंने अकेले में बोटियाँ खाई। और चपली कबाब, चपली कबाब की तो बात ही अलग थी, बड़े बेहतरीन चपली कबाब थे। बकरे गोश्त में खाता नहीं, लेकिन आज पहली दफा खाया बकरे गोश्त। बकरे के गोश्त के होते हैं वो तो बड़े बताने दो,
भाई जाहिल वो बकरे गोश्त हो नहीं सकते ऐसे बता चपली कबाब हो नहीं सकते बकरे कोई नहीं देखते हमने फनी देने हमने ऐसे ही देने मोहन भाई चपली कबाब के बारे में भी बावराय ने बताया एकदम झूठ इंतहाई झूठ पे मबनी बयान दे ईमानदारी से सच बोला है मैंने बकरे का गोश्त तो कहीं था ही नहीं मेन्यू में सब करने में गया नवान भाई काबिल ब्लॉग कैसा था काबिल ब्लॉग अच्छा था लेकिन हमें ज्यादा चपली कबाब बहुत अच्छे लगे बहुत अच्छे लगे कढ़ाई यार बजा दी कढ़ाई थोड़ी सी लगी हुई चिकन की कढ़ाई थोड़ी सी मुझे गारंटीड बोलना ये डीड मारेगा जलेबी की होता है एडिटिंग तो होगी ना भाई जलेबी की भी आ रही थी थोड़ी सी खाने में थोड़ी सी लगा हुआ लेकिन चपली कबाब बहुत अच्छे थे पुलाव भी अच्छा था हाँ सलमान भाई मोबाइल बाद में देख लेना यार जल्दी बताओ ना सलमान भाई ये आप टाइम वाइज जी अच्छा जी भाई जी सो ये ऑनेस्ट रिव्यूज मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ मैं पेड प्रमोशन नहीं करता करान ने मुझे कोई पैसा नहीं खिलाया करान ने मुझे खाना खिलाया उसका पैसा मैंने उसको दिया अलबत्ता कि पुलाव बेहतरीन था जोर जोर सही था काबुली पुलाव बेहतरीन था अब चूंकि हम पाकिस्तानी कौम है तो हमें तो आ जाते मिलावट की तो हमने उसके अंदर रायता ही मिलाया और हमने चिकन नहीं खाई लेकिन उसमें क्या मिलाया था शामी कबाब चपली कबाब मिलाया था चपली कबाब मिलाकर हमने वो खाया और बेहतरीन अच्छा लगा बकरे वाले हांडी जो थी हमने ऑर्डर किया था हांडी सो आई वाज सपोजिंग कि वो हांडी के अंदर आएगी और ऊपर एक हांडी में की फॉइल कढ़ाई थी हांडी थी हांडी थी हांडी थी वही तो कढ़ाई लगी यार ये हांडी थी कढ़ाई थी भाई कढ़ाई और हांडी बना के ले गया था बस कढ़ाई हांडी का फर्क नहीं पता कढ़ाई थी हांडी हांडी थी कढ़ाई बना के ले आया था बस सो मैं सपोज कर रहा था कि वो हांडी जो है वो हांडी के अंदर आएगी और वो रैप हुआ होगा बट वो कढ़ाई के अंदर आई सो बट वो सही सही कढ़ाई शौक भी रॉक ज्यादा अच्छी नहीं और तीसरी चीज कहती है हमारी चपली कबाब सही सही मतलब बस सही थे बस सही इतने अच्छे नहीं लगे पेट भर गया उनकी हाय टकाने आ गई अल्लाह का शुक्र।